इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पराठा कर लो। कुंभलगढ़ के पास आ चुके हैं, आगे से अभी तो भाई हम जगह पे पहुंचे नहीं है। क्या लोकेशन है यार, देखो। और ये देखिए भाई साहब, भाई ये पहुंच गए हैं हम अपने रिजॉर्ट। काफी लंबी है, फुल ऑन जंगल के बीच है। अश्विनी दी एडवेंचरर, एक और नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह बजे 6, अभी हमने अपनी गाड़ी को तेल डलवाना है क्योंकि डल रहा है। 10 से 12 घंटे का सफर है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं सफर कहाँ से शुरू होता है, अभी हम चलते हैं। भाई कुछ इस वक्त से दिखा रहा है 650 किलोमीटर के आसपास, 10.5 घंटे। अभी ठीक से सुबह हुई नहीं है, तेल भी हमने करा लिया पूरा। फिलहाल गाड़ी के हिसाब से 750 किलोमीटर की रेंज है, पर हमारी 800 से ज़्यादा चलेगी। हाँ जी, ऑल सेट। सफ़र एक और शुरू हो गया, मेरे चेहरे से आपको समझ आ रहा होगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी है दिनों बाद। चलो पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक आध घंटा ड्राइव करते हैं, कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं, क्योंकि एक पराठा का दूध मैंने खा लिया साहब। क्या मॉर्निंग, बस बस सूरज के नज़ारे हैं। और भाई मस्ताना रोड देखिए आप, दोनों साइड। ये बेसिकली फरीदाबाद और मतलब हरियाणा और राजस्थान का बाईपास है, कुछ 20-22 किलोमीटर के आसपास का है। बल्लभगढ़ पार करने के बाद राइट लेता है बाईपास पे, वहाँ से अब हम जाएंगे बॉम्बे और दिल्ली वाला जो नया हाईवे बना है वहाँ से। जैसे उस पे हम चढ़ेंगे कुछ 180 किलोमीटर के आसपास तय करने के बाद पहुँचेंगे हम दौसा। दौसा से लेंगे राइट, लेफ्ट ले लें तो वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी आता है, राइट लेंगे तो जयपुर की तरफ चलेंगे। और जयपुर के बाईपास से जो सर्कल है आउटसाइड वाला, सिटी में नहीं जाएंगे, वहाँ से निवाई होते हुए टोंक से पहले जो आता है निवाई होते हुए राइट लेंगे, फिर उसके बाद हम चढ़ेंगे अजमेर वाले हाईवे पे। चलिए अभी से सारा नहीं बताएंगे। मजेदार भाई साहब, सुबह सुबह क्या मौसम है, और सामने सूरज देखिए। हम पहुंच चुके हैं बाईपास के टोल पे, कुछ 50 रुपए का टोल है। यहाँ से कुछ अभी और 650 किलोमीटर का सफर है, 10 से 11 घंटे के आसपास लगेंगे क्योंकि हम चलेंगे रुकते रुकाते। वैसे तो मैप दिखा रहा है 9.5 घंटे के आसपास। अभी हम यहाँ रुके हैं, ड्रोन शॉट ले रहे हैं, देखिए जरा ड्रोन शॉट। तो फाइनली भाई लद्दाख वाले फ्लैग्स हमने अपनी गाड़ी में लगा लिए हैं इस ट्रिप के लिए। ये देखो रील बन रही है सुबह सुबह, है ना। वाह क्या फ्लैग उड़ रहे हैं भाई। दोस्तों ड्रोन शॉट देखे आपने, 10-15 मिनट ओवर रुके हुए, वहाँ से निकलते हैं फिर ब्रेकफास्ट के लिए और एक आध घंटा ड्राइव करके आगे चलते हैं। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे अलवर के लिए लेफ्ट 73। भाई जहाँ होना चाहिए वहाँ तो अभी सब ट्रक खड़े हुए, देसी चाय का जुगाड़ है। पतलग अच्छी है, ये है बढ़िया बनाएगा भैया, चलो ठीक है। आ जाओ यहाँ चाय में बैठ सकते हैं, अंदर बैठने की जगह जा रहा था। इधर बैठते हैं भाई आराम से, एक एक पराठा और चाय हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, चाय पराठा कर लो। बर्बन
मिठाई तो चाय तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये है क्या, ये मामा सुपारी, और ये है शहरीकरण का नतीजा। भाई साहब कुछ लॉन्ग, इतना लंबा रोड है, सीधा ही सीधा 160 किलोमीटर के बाद अब हमें यहाँ से नीचे से राइट लेना है घूम के। राइट जाएंगे तो जयपुर की तरफ पहुँचेंगे, लेफ्ट जाएंगे तो आगरा की तरफ जाएंगे, वहाँ कैसे घूम के भी लेंगे राइट नीचे से। देखते हैं यहाँ पे कितने का टोल लगता है। समय हो गया सुबह के 10, तकरीबन 4 घंटे हो गए हमें ड्राइव करते हुए, और अभी हम हैं दौसा के बाईपास पे। दौसा से निकल के जयपुर का भी बाईपास पकड़ेंगे और आगे निकलेंगे हम अजमेर की तरफ। अजमेर से हो गया और भी आगे का रास्ता है। फिलहाल हम अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, पराठे चाय। भाई दिल्ली और पहाड़ों की तरफ सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन अभी राजस्थान में सर्दी का कोई मौसम नहीं है। यहाँ एक बियाबान जंगल में मैकडोनल्ड्स है, ओनली ड्राइव थ्रू, तो हमने कुछ मील्स वील्स ले लिए, अब रास्ते में क्या ही खाएं, बैठ जाओ खा के चलते हैं। भाई बजे 12:30, 6.5 घंटे हुए दिल्ली से निकले हुए, मैकडी एक ड्राइव थ्रू मिला हमें, हमने यहाँ बैठ के आराम से बाहर मस्त एक मील खाई। गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम निकल रहे हैं, कुछ और 300-350 किलोमीटर के आसपास का सफ़र बचा हुआ है। शाम को जल्दी पहुँचेंगे अंधेरा होने से पहले। क्यों जी, आइए। भाई जब से पिछला बाईपास छोड़ा है, सड़क थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। पहले बहुत चौड़ा सा हाईवे था, थोड़ा ऐसा गली मोहल्ले वाला हो गया है, संभल के चलाना पड़ा है। हेलो भाई, कुछ इस तरीके के पहाड़ शुरू हो गए हैं। अभी रास्ता कुछ 150 किलोमीटर और बचा है, अजमेर को क्रॉस किए हुए हमें समय हो गया, और इस रास्ते पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। दिस इज़ नेशनल हाईवे नंबर 58। पिछले 3 घंटे से हम इसी पे चल रहे हैं, और अभी हमें तकरीबन शायद 50 किलोमीटर के आसपास चलना होगा, उसके बाद हम स्टेट हाईवे की तरफ लेंगे राइट। ये देखो एक ये हिल टॉप, ऊपर एक झंडा सा गाड़ दिया, चारों तरफ ऐसे बीहड़ स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं, सुनसान सा लग रहा है, आते आते और भी सुनसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी नेशनल हाईवे है। अंदर वाले रोड पर चढ़ेंगे तब तो फिर देखो कैसा लगता है। इतनी बढ़िया जगह यार, अगर आप रास्ते में आ रहे हैं तो अभी यहाँ से ही छोड़ के नेशनल हाईवे 58 पे सीधा जाएंगे तो आगे आएगा राजसमंद, राइट जाएंगे तो कुंभलगढ़ आएगा। ऐसी जाएंगे सस्ते में देखेंगे तो आपको ऐसी जगह मिल जाएगी, इतनी बेहतरीन लेक है यहाँ पर। भाई साहब व्यू देखो यार, यहाँ से दिख रहा है पीछे पूरी इतनी बड़ी लेक। ओहो भाई, यहाँ तो ड्रोन शॉट्स बनते हैं। हम तकरीबन कुंभलगढ़ के पास आ चुके हैं, आगे से और 35 किलोमीटर के बाद राइट लेना, फिर 50 किलोमीटर और है, टोटल 80-85 किलोमीटर बचा हुआ है। सो फाइनली हम दिल्ली से निकले हैं, कुंभलगढ़ पहुंच रहे हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर के आसपास है, प्लस माइनस 20-15 किलोमीटर। और सुबह निकले थे हम लोग 6 बजे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:05, तो एक बार ड्रोन शॉट लेते हैं यहाँ से। व्यू देखो यार, कितना बढ़िया दिख रहा है, ऐसा मज़ा नहीं आया।
क्या बात है यार, क्या सुंदर नज़ारा है भाई साहब, ऐसी ज़बरदस्त लेक। ऐसा बरसात के बाद इस तरह की वाटर बॉडीज़ अपने आप तो बन जाती हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पानी को सेव करने के लिए इतनी सारी चीज़ें डैम बनाए हुए हैं। क्या मस्त नज़ारा है यार ये, और ये सामने हाईवे जा रहा है, मतलब यार क्या खूबसूरत जगह है। इस तरह के जो बरसात में पनपने वाली लेक या छोटे इस तरह से वाटर बॉडीज़ होती हैं, ये गूगल पे हमें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि ये बरसात में बनती हैं और समय के साथ सूख जाती हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो इस तरह से पानी भर जाता है और देखने में कितना सुंदर लगता है। मन तो है पूरा वहाँ तक चल के जाएँ, लेकिन अभी समय नहीं है, अभी हमें चलना है और आगे की तरफ, सफ़र थोड़ा सा और लंबा है। लेकिन भाई क्या जगह है यार, मतलब भाई साहब क्या बादलों में से धूप ऐसे छटके आ रही है, शाम हो चली है भाई साहब, समय बज रहे हैं कुछ 4:45, और ये हाईवे इतना मस्त बना हुआ है भाई। अभी तक का सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा है, रास्ते में कई सारी चीज़ें देखी हैं, शूट कम करी लेकिन देखी बहुत ज़्यादा है, मज़ा आया। लेकिन जितना भी सफ़र रहा अभी तक का मज़ेदार है, और आगे का भी बढ़िया हो उसके लिए हमें अपनी गाड़ी में पहले भरवाना है पेट्रोल, तो कहीं मिल जाए पेट्रोल पम्प तो आ जाए मज़ा। पहुँच गए हम लोग लगभग कुंभलगढ़, यहाँ से और 50 किलोमीटर अंदर की तरफ जाते हैं जो कि है स्टेट हाईवे, और पेट्रोल हमने टंकी फुल करा के निकले थे घर से, पर यहाँ पे कुछ 2400 रुपये का ऑर्डर वाली है, अंदर हो ना हो मैंने कहा चलो टैंक फुल होना चाहिए, अब यहाँ से यूटर्न लेके चलते हैं आगे की तरफ। जोधपुर लेफ्ट 187, जयपुर 307, अजमेर 177, हमें लेना है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है यहाँ से लेफ्ट, जोधपुर भी आगे जाके आएगा। कुंभलगढ़ 37 दिखा रहा है यहाँ से, तो यानी कि 15 किलोमीटर हमें और आगे जाना, जो हमारा रिजॉर्ट है कुंभलगढ़ को हम क्रॉस कर जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा दिखा रहा सफ़र, और बज रहे अभी शाम के 5, बस एक चाय मिल जाए। यहाँ का यार एटमॉस्फेयर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मौसम बहुत सही दिख रहा है। यहाँ पर शाम हो चुकी है, 5:15 हो रहे हैं, यहाँ रुके पीछे एक चाय पीने के लिए, चाय पिए थोड़ा बॉडी माइंड रिलैक्स करें, फिर यहाँ से चलते हैं आगे। कुछ 1.5 घंटे के आसपास दिखा रहा है हमारे रिजॉर्ट तक पहुँचने के लिए, और स्काई हिल टॉप रिजॉर्ट है हमारा, वहाँ पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। हाँ जी पुरवांट है, गाय माता अपने बच्चे को प्यार कर रही है, उसको खेलना सिखा रही है यार कितना सुंदर रास्ता है ये, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अनटच्ड एरिया में आ गए हम लोग। हाँ मौसम भी अच्छा हो गया भाई, 1:20 दिखा रहा है हमारा रिजॉर्ट यहाँ से, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। भाई साहब आप व्यू देख रहे हो, मतलब एक तो हाँ मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड जेंटलास, वेरी नाइस व्यू। अभी तो भाई हम जगह पे पहुँचे नहीं हैं, उससे पहले ही खूबसूरती के इतने नज़ारे हमें दिख रहे हैं कि रहा नहीं जा रहा हमसे यार, है ना भाई, क्या मस्त जगह। टेम्परेचर भी देखो इतना सही हो गया, क्या सही जगह यार, पीछे देख रहे हो लेक, गजब। हाँ जंप लगानी है, पानी सब देखो, ये बरसात क्या पहाड़ों से आता बरस जाता है, मछली होंगी और क्या। वाह ऐसे नज़ारे आपको मिल जाए तो फिर क्या ही बात है यार, देखिए शाम है, गांव है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या सही जगह है यार, क्या लोकेशन है यार, देखो पहाड़, टर्न राउंड रास्ता, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वो आगे डैम बना हुआ है, और ये देखिए भाई साहब कमाल, आगे हो रही है बोटिंग, क्या बात है। अच्छा ये वाला होटल था जो हम बुक कर रहे थे, ये देखिए सामने क्या होटल बना हुआ भाई। ये पहुंच गए हैं हम अपने रिजॉर्ट, काफ़ी अंधेरे के बाद यहाँ एक रोशनी मिली है, काफ़ी लंबा कॉरिडोर है, पार्किंग बाहर है, यहाँ से पहुँचने में काफ़ी मशक्कत तो हुई है पर अंदर आके अच्छा लग रहा है। लेट्स होप कि एक्सपीरियंस भी सही रहा है। इज गौरव मे बी दी मैनेजर ऑफ दी होटल एंड मे बी दी ऑनर ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर। हमारा सेकेंड फ्लोर पर है रूम, प्रॉपर्टी फिलहाल तो
जितनी दिख रही है दिखा रहा हूँ, अच्छी लग रही है। दिन में यहाँ के व्यूज़ देखेंगे कैसे हैं। ये इधर भी है कॉरिडोर, और दिन में देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो हमें फोर्ट जाना है, उसके बाद कुछ और। सामने कॉरिडोर है बैठने के लिए, बालकनी। हमारा रूम नंबर है 305। चेक इन हम कर चुके हैं। हाँ जी, रूम भी अच्छा लग रहा है, लाइट्स यही इसमें आ रही है। वही बाहर का तो अभी दिखाई नहीं देगा, कुछ ऐसी गैलरी सी है। इधर है वॉशरूम, ठीक है, डिसेंट है। सो फाइनली ये कमरा है, इसमें इतनी बड़ी विंडो है बाहर बैठने के लिए। ये सब हमने सामान फैला दिया। अभी वॉशरूम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, डोर है पूरा प्रॉपर। तो ये है दोस्तों। ओ भाई साहब, तो फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र तय करके बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हम। यहाँ बाहर की वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे होटल जो रिजॉर्ट है यहाँ पूरा घने जंगलों के अंदर बसा हुआ है, बहुत ही ग्रीनरी है। एक साइड पहाड़ है, दूसरी साइड बिल्कुल वैली है। सामने रोड दूर से है, चढ़ के आए हैं। चारों तरफ एकदम नो मैंस लैंड है, लेकिन अंदर स्विमिंग पूल है प्रॉपर्टी के अंदर, अलग किचन है, बढ़िया अपना रेस्टोरेंट है, बाहर अलग है, रूम्स इतने बढ़िया बने हुए हैं, बड़े बड़े, इतना बड़ा वॉशरूम है, इतनी बड़ी विंडो है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए बना रखा है। और सुबह देखेंगे भाई पूरी प्रॉपर्टी का व्यू कि कैसा है। अभी मंगाई हमने चाय, पीते हैं थोड़ी सी चाय। भाई आज कोई डिफरेंट ट्राई किया है, ये है मेवाड़ी खिचड़ी, और ये है फ्राई, और ये फ्राइड राइस। देखते हैं क्या डिफरेंस है। भाई ये कुछ रूफ टॉप की वाइब है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा पूरा जंगल अंधेरा दिखने का, ये नीचे कुछ और है, लाल टाइम है। हाँ जी यार, इतनी सही जगह है, शाम के टाइम छत पे टहल रहे हैं, खाना खा लिया है, बज रहे रात के 9:30। दिन का सफ़र इतना अच्छा था, मज़ा आ गया। अभी थोड़ा हम प्रॉपर्टी को और वॉक अराउंड लेके आएंगे, थोड़ा खाना खाने के बाद टहलेंगे। काफ़ी लंबी है, फुल ऑन जंगल के बीच है, मज़ेदार जगह है। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, न ठंड है न गर्मी है, बल्कि ठंड लग रही है। हम ऊपर से एक शॉर्ट पहन सकते हैं। हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जगह काफ़ी रिमोट एरिया में है, आई मीन ये जो रिजॉर्ट है ये काफ़ी रिमोट एरिया में है, मेन रोड से भी कुछ 300-400 मीटर ऊपर आके है, और इसके दाएं बाएं कुछ नहीं है, एक आध गांव में कुछ घर वर दिख रहे हैं। तो अदरवाइज़ प्रॉपर्टी एक नंबर है भाई साहब, मज़ा आ गया। थोड़ा सा कुंभलगढ़ से 15 किलोमीटर और आगे बढ़ती है। कल हम सुबह सुबह निकलेंगे, चेकआउट करेंगे कि कुंभलगढ़ फोर्ट में जाने के लिए क्या प्रोविज़न है, क्या अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम जा सकते हैं या ब्रेकफास्ट करने के बाद चलेंगे। तो अभी चलते हैं हम नीचे, आज का काफ़ी यार लंबा दिन था, मज़ा आ गया भाई साहब। अमरूद लगे हुए हैं तो पूरे, देखो ये बड़े बड़े, ये फ्लावर देखो रात के समय। ओ इसमें लगे हुए थोड़े मोटे मोटे, ये देखो ये, पर अभी इसमें पके नहीं है। इधर कितने झुंड में है देखो, ये है भाई स्विमिंग पूल, रात में तो देखने रहा, अभी सुबह दिखाई देगा। ये देखिए पानी ब्लू है पूरा, ओ दूर तक है। ओहो गुड मॉर्निंग, ये है हमारे रूम से व्यू बाहर, देखिए सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल रात का यार व्लॉग हमने एंड ही नहीं किया, थक गए थे बहुत, रात को बाहर भी वॉक करने गए थे। काफ़ी लंबा ट्रैवल था कल, पर एक अच्छी जर्नी इसलिए हुई क्योंकि हम डिफरेंट जगह पे आए, हमने इस रास्ते पे इस लोकेशन पे हम आए नहीं थे पहले। बाहर तो काफ़ी पहले गर्मी थी, लेकिन जैसे ही हिल एरिया स्टार्ट हुआ यहाँ पर मौसम, एटमॉस्फेयर, लैंडस्केप सब चेंज हो गया, और इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही है बाहर, धूप हल्की हल्की सी आ रही है। हमारा होटल बहुत सही लोकेशन पे, एकदम जंगल के बीचों बीच में है। अभी हम थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होते हैं, चाय शाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। आज के प्लान आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं, टिल देन टेक केयर, अगले व्लॉग में मिलते हैं।